भाजपा बागमारा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रही है आपका विधानसभा चुनाव को लेकर बागमारा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के यहाँ आज हम पहुँचे हैं और जानते हैं जनता जनार्दन से क्या भीतरखाने चल रही है और क्या मंशा है और किन प्रत्याशी को पीछे लोग इतने जीजान लगाए हुए हैं। सबसे पहले आप बताएं कि भाजपा क्या बागमारा विधानसभा में अपना किला लहरा पाएगी? जी हाँ, इसमें कुछ शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बागमारा विधानसभा में शत्रुघ्न महतो जो है वो हर एक द्वार पे हर एक लोगों के दिल में बसते हैं। पार्टी व्यक्ति को छोड़ दीजिए, वो एक आम आदमी के तरह लोगों के दर्द की हर चीज़ में मदद करते हैं। क्या सुख क्या दुख, किसी का मरनी हरनी, शादी विवाह, पूजा पाठ, हर चीज़ में, क्या छोटा क्या बड़ा, सभी प्रत्याशी ये दावा करते हैं कि हम हमेशा नहीं प्रत्याशी कहाँ नजर आ रहा है, बरसाती मेढक बोलिए। 2019 में चुनाव हुआ, 2019 के बाद 2020 कौन सा प्रत्याशी आपको नजर आया? शत्रुघ्न महतो अभी 12 प्रत्याशी ने इसमें फॉर्म भरे हैं और प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा। हम तो बार बार आपको बोले प्रत्याशी कहाँ, वो बरसाती मेढक हुए। 2019 के बाद 2020 में आपको कोरोना हुआ, कोरोना में जो अभी प्रत्याशी खड़े हैं क्या आप उनका नाम सुने थे? मैया सम्मान योजना कितना कामगार साबित हो, ये सब घोषणा है। चुनाव खत्म हुआ है, वोट देने के घोषणा है। क्या गठबंधन ये यहाँ पर किला लहरा पाएगी, झंडा लहरा पाएगी, या भाजपा का संगठन क्या चल रहा है? भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो बना देते हैं। हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं और शत्रुघ्न महतो अच्छा मार्जिन से 70,000 वोटों से यहाँ विजय टक्कर में नहीं, चिलेसा महतो कहीं भी नहीं। आप बताएं दीदी कि क्या भाजपा यहाँ से चला रहा है? टोटल कर रहे हैं, हम लोग सोचे भी हैं कि इस बार में हम अपना सरकार बनाएं। और क्या समीकरण चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मैया सम्मान योजना वो सब फालतू है, वो तो चुनाव के लिए है, चुनाव के लिए दिया हुआ है, चुनाव खत्म होगा उसके बाद पैसा बनता है। सबको जानता है, जितना मैया लोग है सबको ये चीज जानता है। 4 साल इतना कहाँ था, बेरोजगार लोग को बोला हुआ था, नौजवान लड़का लोग को बोला था कि हम इतना नौकरी देंगे, आदिवासी को बोला था कि इतना नौकरी देंगे, आदिवासी के जाइए रांची में देखिए, उन लोग को बोलता है कि ठीक है आने दीजिए, हम भेंट करते हैं, भेंट करवाते हैं। जब उन लोग लेडीज लोग वहाँ पे बैठे हुआ रहता है महिला लोग, उसके बाद जब सर आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उस डे में उसको पीओ धक्का दे के निकाल देते हैं, तो उनको कैसे सरकार, हर इंसान विरोध कर रहे हैं, सरकार रह के भी कहीं भी वैकेंसी नहीं, कहीं कुछ योजना नहीं। जब चुनाव का टाइम आया तो 1,000 रुपया दे के और एक झोला दे के बोल रहा है कि नहीं हमको सरकार, तो इस तरह से सरकार सभी प्रत्याशी अपने प्रत्याशी का समर्थक अपने पार्टी को जिताने में होड़ लगी हुई है और अपने तहे दिल से लोग उसमें चुनाव में शिरकत कर रहे हैं और जोर शोर से अपनी ये कामयाबी का बुलंदी का झंडा लहराने के लिए बेताब हैं। लेकिन शत्रुघ्न महतो का कार्यशैली से बागमारा का विकास हो पाएगा? क्या शत्रुघ्न महतो की कार्यशैली बागमारा विकास के लिए कामगार साबित होगी? ये तो 15 साल दौरा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या है, जनता पूरा जानते हैं, जनता जानता है। ये अभी भाई साहब बोले हैं अरुण गुप्ता जी कि किसका शादी ब्याह मरनी हरनी में किस चीज़ में शरद महतो लेगी, और विरोधी मेरा देखिए किसका अपना उसको पेट नहीं भरता तो जनता क्या देखेगा? अभी तो चुनाव का टाइम आया है ना, तभी तो लोग पैसा खोलेगा ही, बोरा खोलेगा ही, और ये तो शरद का तो पैसा नहीं खोले है, पैसा नहीं बांटते हैं, दिल से जीते हुए हैं, दिल से जीते हैं। इतना भीड़ भाड़ महिला लोग का, जेंट्स लोग का, नौजवान लोग का उमंग जिताने का, शरद कुछ किए नहीं है, उनका भाई ना किए है, फिर भी शरद जिए सबको उनका दिल में है, शरद का दिल में लेडीज से लेके बच्चा लेके सबके। शत्रुघ्न महतो लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं, शत्रुघ्न महतो कभी भी किसी को छोटा बड़ा बात नहीं करते हैं, लोगों को मानते हैं। शत्रुघ्न जी यहाँ पे भाजपा क्या विधानसभा चुनाव में झंडा लहरा पाएंगे बागमारा से? लहरा पाएंगे, जितना वो कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा,
सीधा बात है। आज बोल रहा है कि रोहित यादव सूरज महतो कोई भी कुछ लहरा ले, लेकिन हम लोग का शरद महतो का जितना व्यवहार और विचार है वो निकलेंगे ही, उनको कोई नहीं रोक सका। बस सीधा बात, क्या समीकरण चल रहा है भाजपा की? भाजपा का समीकरण अभी ठीक चल रहा है।